चलो माना इन्होंने मॉडर्न तरीके से बताने की कोशिश की, पर अगर आप श्री राम और रावण एंड हमारी सीता माता को प्रेजेंट कर रहे हैं नाम बदल के, तो जैसी है वैसे ही आप बताओ ना। कीर्ति सानन को बेहोश करके हवा में टंगी हुई है। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों फाइनली आदि पुरुष का सेकंड ट्रेलर रिलीज हो गया है दोस्तों, और आपको बता दूं कि इस पर चर्चा करने के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो प्रियंका जी प्लीज़ कम हियर। तो प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। फाइनली आदि पुरुष का सेकंड टीजर रिलीज हो गई है और आपने सेकंड ट्रेलर रिलीज हो गई है, आपने फाइनली देख लिया है। तो चलिए प्रियंका जी आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसी लगी ये ट्रेलर। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं प्रियंका जी से, प्रियंका जी को कैसी लगी ट्रेलर और वीडियो एंड तक देखना दोस्तों आप लोग। आदि पुरुष का फाइनल ट्रेलर, एक्शन ट्रेलर, 3-4 घंटे से हम वेट कर रहे हैं। पहले पता चला 6 बजे आने वाला है, फिर 7 बजे आने वाला है, फिर इसी तरह उन्होंने बोला कि 9 बजे आने वाला है। लगता है कीर्ति सैनन मेकअप करने में बहुत बिजी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने टाइम एक्सटेंड कर दिया। एनीवेज जोक्स अपार्ट, एक्शन ट्रेलर, फाइनल ट्रेलर जो बोलो आ गया। क्यों लाए ये एक्शन ट्रेलर की ज़रूरत ही क्या थी? मुझे नहीं लगता था कि, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये ट्रेलर अगर नहीं निकालते ना तो अच्छा होता था। आप तिरुपति गए कोई बात नहीं, आप वहाँ पे इवेंट रखे कोई बात नहीं, कोई सॉन्ग लॉन्च रख देते। ये आपने ट्रेलर क्यों अभी दिखा दिया? ताकि वो बस क्रिएट कर पाए। लेकिन बस क्रिएट करने के चक्कर में आपने आधी रामायण तो इसी में ही दिखा दी ना ये एक्शन ट्रेलर में। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कैसे वानर सेना जाके लड़ाई कर रहे, सब एक्शन हो रहा है, सब तो दिखा दिया आपने इसमें। तो मूवी में देखने के लिए बचा क्या? एक सैफ अली खान को छुपा के रखे थे अपने रावण को, वो भी आपने दिखा दिया, थोड़ा सा उनका दिखाया, थोड़ी सी झलक दिखाई, एंड लास्ट में एंडिंग में उनकी बस वो हंसते अपने रावण वाले अवतार में, वो थोड़ा दिखाया। लेकिन अगर मैं सच बोलूँ ना, ये ट्रेलर ना मुझे वाव नहीं लगा, मतलब ना मुझे गूजबम्स दिए ना मुझे खुशी हुई देखकर। सबसे पहले बात करते हो जब ट्रेलर की शुरुआत होती है, वो आते हैं अपने भेस में बाबा के अवतार में, उसके बाद सीता माता आती है लक्ष्मण रेखा पार करके, रावण किस तरीके से उनको अपने वश में कर रहा है। ऑडियंस अगर आपने ओरिजिनल रामायण नहीं देखी है ना तो जाके वहाँ पे सीता हरण देखो। आप YouTube पे अवेलेबल है सीता हरण करके, अब जाके देखो वो वीडियो, उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में बताना। चलो माना इन्होंने मॉडर्न तरीके से बताने की कोशिश की, पर अगर आप श्री राम और रावण एंड हमारी सीता माता को प्रेजेंट कर रहे हैं नाम बदल के, तो जैसी है वैसे ही आप बताओ ना। कीर्ति सानन को बेहोश करके हवा में टंगी हुई है, हमारी सीता माता तो ऐसी नहीं थी ना, उनको तो उठा के लेके गए थे, तो ये चेंज क्यों किया? जो था वैसे ही दिखा देते। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब जब तक हम मूवी 16 जून को देखेंगे ना, तब इसका फाइनल फैसला होगा कि इसको हम एक्सेप्ट करें, इसको हम रामायण माने कि नहीं माने। चलिए आपने देखा होगा इस ट्रेलर में, सेकंड ट्रेलर में, कि VFX ज़्यादा ही आपको देखने को मिला होगा, तो VFX की बात करें तो आपको VFX कितनी अच्छी लगी? VFX से देखो काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, VFX से मुझे कोई शिकायत नहीं, वो सब अच्छा ही है, एक्शंस भी अच्छे हैं। बट प्रभा सर, श्री राम बनना है आपको, महेंद्र बाहुबली नहीं, क्या कर रहे हो आप? माना आप अपना एक्शन अपने स्टंट्स अच्छे कर रहे हो, बट राम वाले अवतार में तो आओ, अपने सर पे मुकुट भी नहीं पहना है राम का, बराबर। एंड एंड में आप वो धनुष बाण लेके बोलते हैं, अपना डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं लास्ट में भगवान हनुमान के ऊपर, मुकुट का है आपका, आप श्री राम बने हो ना। देखो जो रामायण को बारीकी से जानते हैं ना, वो एक एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, एक एक चीज़ नोटिस करेंगे, नोटिस करेंगे, इसलिए कि लोग रामायण बचपन से ही बचपन से देखते आ रहे रामायण, इसके लिए मुझे पता है। और खासकर जब भी कोई धार्मिक मूवी बनती है एंड सीता माता जब रावण के सामने आती है तो उनका आधा बॉडी तो ओपन है, सीता माता ऐसी नहीं थी, वो तो पूरी ढकी हुई थी, इसमें क्या हो गया? चलो मानो ओबराव सर कुछ मॉडर्न लेके आ रहे हैं, बट अगर रामायण को आधा ऐसे चेंज करके दिखा रहे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कुछ ऑडियंस, बराबर। सब 16 जून का ही वेट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। बाकी 3D में तो देखो, नो डाउट 3D में मज़ा बहुत आएगा देखने के लिए, बट ऐसा लगेगा कि हम एक मूवी देख रहे हैं, हम रामायण नहीं देख रहे।
हमें यही सोच के चलना होगा कि वो एक मूवी है, इट्स नॉट रामायण। बाकी सैफ अली खान सर का अवतार जो दिखाया वो थोड़ा अलग लग रहा है, बट एज रावण आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट। मुझे डिफरेंट लग रहा है वो। होगी कुछ ऑडियंस मुझे बोलेगी कि मुझे क्या पता ये सब चीज़ों के बारे में, ये नहीं वो नहीं सब मुझे बोलेगी आके, लेकिन एक बार बस एक बार YouTube पे जाके रामायण देख लो और सीता हरण देख लो। आपको बता दूं जिन्होंने रामायण देखा होगा तो वो शायद कमेंट नहीं करेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं अलग दिखेगा ट्रेलर। हाँ वो है, अलग दिखेगा नो डाउट, तो उनको क्या पता चलेगा, अलग दिखेगा। देखो मैं बोल रही हूँ ऑडियंस एक बार तो जरूर जाएगी इस मूवी को देखने के लिए, वो जाएगी जरूर, लेकिन अगर कुछ गलत लग गया ना तो शायद ऑडियंस नहीं खुश हो पाएगी। बिकॉज आप देखो प्रभा सर के सर पे मुकुट भी नहीं है, एंड रावण सैफ अली खान सर अपने रावण वाले अवतार में अगर आते हैं एंड वो अगर प्रॉपर रावण बन के अगर सीता हरण करते हैं तो बात अलग है, बट अगर वो ऐसे ही बाबा का अपना वो अलग रूप बन के आ रहे तो फिर ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी। अब ये तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ पब्लिक आर द मेन क्रिटिक्स, हम तो सिर्फ हमारा ओपिनियन रखते, हमारी बात रखते, हमारी बात शेयर करते, अब बाकी तो ऑडियंस बताएगी कमेंट्स में। अब आप बताइए, बाकी मैं तो बोलूँ तो मैं इस फाइनल ट्रेलर से ज़्यादा खुश नहीं हूँ। अब आप बताइए कि आपका क्या कहना है इस पर। चलिए अगर इस सेकंड ट्रेलर को रेटिंग देना हो तो 5 से 7 मिलेगा? मुझसे रेटिंग्स मत पूछो, मैं सीधा 16 जून को ही मूवी देखकर आपको रेटिंग्स दूँ। सो ऑडियंस मैंने अपनी बात रख दी हो, अब आप बताइए कि आदि पुरुष के इस फाइनल ट्रेलर एक्शन ट्रेलर को लेके आपका क्या कहना है, आपको कितना वो रामायण से मैच लग रहा है, कितना डिफरेंट लग रहा है, जो भी आपके थॉट्स हैं आपका हमेशा बेफिक्र होकर आके मुझे बोलिए। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो भी कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हैं बिंदास, लेकिन कितना एग्री करते हो ना वो भी मुझे बताइए, खासकर सीता हरण वाला शॉट देखकर। सो मेरा वाला वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो करिए, बाकी मेरी बात सुनकर शायद कोई अनसब्सक्राइब भी कर दे जिसको ना पसंद आए, कोई बात नहीं, हम जो है हमारा ऑनेस्ट रिव्यू रखते हैं। सो आपके ऊपर है, जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट से बताइए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे बॉल मैटिनी वर्ल्ड।